अब हम लोग फ्यूचर टेंस में प्रवेश कर रहे हैं और आज से एक एक करके डिफरेंट जो टेंसेस हैं फ्यूचर टेंस में उसका यूसेस हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आज की बारी है इसमें यूसेस ऑफ सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर यूसेस ऑफ सिंपल फ्यूचर हम लोग आज इसकी बात करेंगे। इसमें पहला कॉन्टेक्स्ट है हमारा, देखिए, टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचरिटी। इसके कई कॉन्टेक्स्ट होंगे सिंपल फ्यूचर में, जिसको हम लोग एक एक करके चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन अभी का जो पहला कॉन्टेक्स्ट है वो है टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचरिटी। जब केवल भविष्य की बात की जाए, केवल भविष्य की बात की जाए, तो यहाँ एक नियम है, उसको हमको जानना है। उसको जानना ये है कि जब केवल प्योर फ्यूचरिटी की बात की जाएगी, दूसरा कोई इसमें और कंटेक्स्ट में कोई हिडन मीनिंग नहीं होगा, तो वैसी परिस्थिति में हम ये डिफरेंट प्रोनाउन के साथ कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेंगे या हेल्पिंग वर्ब, उसको यहाँ आप देखिए। जैसे यहाँ है आई शैल राइट, आई के साथ सेल लगाना अनिवार्य है। किस केस में? जब प्योर फ्यूचरिटी को एक्सप्रेस करना हो तो वी शैल स्पीक, वी के साथ सेल लगेगा, यू के साथ फिर विल लगेगा, यू विल अंडरस्टैंड, ही विल अंडरस्टैंड, शी विल अंडरस्टैंड एंड दे विल हेल्प, शी विल इंस्पायर एंड दे विल हेल्प। अब ये बिल्कुल मैंडेटरी है कि जब प्योर फ्यूचरिटी की बात हो तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, सेकंड पर्सन में विल का प्रयोग करेंगे सिंगुलर प्लूरल दोनों में, थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में भी विल का प्रयोग करेंगे। ये क्रम अगर हमने हटाया, जैसे मान लीजिए आई के साथ सेल नहीं करके विल कर दिया, तो फिर प्योर फ्यूचरिटी को हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इसको अलग, मतलब कंफ्यूज्ड होने की जरूरत नहीं है। जब कभी प्योर फ्यूचरिटी की बात होगी तो वहां ध्यान रखना है कि आई वी के साथ सेल और बाकी सेकंड थर्ड पर्सन के जो भी प्रोनाउंस हैं सिंगुलर या प्लूरल, उनके साथ विल का प्रयोग करेंगे, जो यहां करके आपको बता दिया गया है। अब फिर दूसरा कंटेक्स्ट है, उसको जरा देखिए। दूसरा कंटेक्स्ट है टू एक्सप्रेस क्वेश्चंस। यहां भी बात बहुत बारीक है और समझने जैसी बात है कि क्वेश्चंस भी क्रिएट करना उतना आसान नहीं है। अगर एक संदर्भ, एक कॉन्टेक्स्ट या एक इंफॉर्मेशन से आप चूक जाएं, तो फिर क्वेश्चन बनाने में भी गलती हो सकती है। जैसे हम जब मॉडल पढ़ा रहे थे तो वहां भी हमने आपका ध्यान खींचा था, यहां भी आपका ध्यान फिर खींच रहा हूं कि प्योर फ्यूचरिटी का जो ऑर्डर होता है प्रोनाउंस के साथ मॉडल का, उसी ऑर्डर से क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं आप। बाकी और भी कंटेक्स्ट में जो हम प्रयोग करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट से अगर आप क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे तो वो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। जैसे समझने के लिए एग्जाम्पल्स हमने दोनों दे दिया है, देखिए यहाँ आई के साथ है आई शैल राइट, तो क्वेश्चंस इसी से बनेगा। तो देखिए शैल को केवल बाहर कर दिया है हमने इसमें, शैल आई राइट, वी शैल स्पीक शैल को बाहर कर दिया है, शैल वी स्पीक, यू विल अंडरस्टैंड विल को बाहर कर दी किया, विल यू अंडरस्टैंड, फिर ही विल रिस्पॉन्ड, फिर विल को बाहर किया, विल ही रिस्पॉन्ड, फिर यहाँ देखिए सी विल इंस्पायर, फिर विल को ही बाहर किया, विल सी इंस्पायर, और फिर दे विल हेल्प, फिर यहाँ कर दिया विल दे हेल्प। अगर आप इसको चेंज कर दें, जैसे आई शैल राइट की जगह, अब यहाँ तो शैल आई राइट है, लेकिन अगर आपने विल आई राइट कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर आपने विल वी स्पीक कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर आप यहां यहां
शैल यू रिस्पॉन्ड कर दें विल की जगह, तो वो क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। तो कैसा क्वेश्चन सही होगा, कैसा क्वेश्चंस गलत होगा, ये बहुत ध्यान देने की बात है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें भूल करते हैं। आपको भूल से बचाने के लिए हमने वहाँ भी डिटेल्ड डिस्कशन किया था, यहाँ भी फिर हम आपको बता रहे हैं कि आप सब प्योर फ्यूचर जी का स्ट्रक्चर ध्यान में रखें, और क्वेश्चंस फ्रेम करना हो तो इसी ऑर्डर को, जो सब्जेक्ट और जो मॉडल है उसके साथ जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को ब्रेक नहीं करना है। इसी ऑर्डर से आप केवल मॉडल्स को बाहर खींच देंगे, जैसे यहाँ खींचा गया है, तो वो क्वेश्चंस का फॉर्म ले लेगा, क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस छोटी सी बात है लेकिन ध्यान में रखने की है। अब यहाँ देखिए, टू एक्सप्रेस कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स। अगर कमांड्स को, इंस्ट्रक्शंस को और ऑर्डर्स को अगर व्यक्त करना हो, तो फिर आपको पता है, वहाँ भी मैंने चर्चा की थी कि इसमें ऑर्डर चेंज कर जाता है। यहाँ अब देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है। फिर देखिए, ऑल क्लासेस, यहाँ थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। नोबडी, ये भी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। ये तीनों थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग नहीं हुआ है, चूंकि नहीं करना है। ये नियम है कि जब प्योर फ्यूचरिटी ना होके उसके द्वारा अगर कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स व्यक्त हो रहे हों, तो वैसी दशा में, वैसी स्थिति में हमारा स्ट्रक्चर होगा कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, अगर वो सेकंड या थर्ड पर्सन हो तो शैल का प्रयोग करेंगे, जो यहाँ किया गया है। ऑल द स्टूडेंट्स शैल कम इन यूनिफॉर्म। अगर आप विल कम इन यूनिफॉर्म करेंगे तो ये कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस को कन्वे नहीं करेगा, उसको एक्सप्रेस नहीं करेगा। ऑल क्लासेस शैल रिमेन सस्पेंडेड टिल फॉर द ऑर्डर। यहाँ शैल की जगह विल करेंगे तो फिर ये कंटेक्स्ट एक्सप्रेस्ड नहीं होगा ग्रामेटिकली। Nobody shall go out without permission की जगह अगर आप nobody will go out without permission करते हैं, तो यहाँ ये कमांड, इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ये दैट विल बी ए सेंटेंस ऑफ प्योर फ्यूचरिटी। तो जब ये हमारा उद्देश्य है कि हमको कमांड से, इंस्ट्रक्शन से, ऑर्डर्स एक्सप्रेस करना है, तो जो सेंटेंस की रचना होगी वो यही होगी। इसको ध्यान में रखना है, और इसको ध्यान में अगर हम रखते हैं तो सिंपल फ्यूचर की यूसेस में हमसे कोई भूल नहीं हो सकती। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ।